दो दिन पूर्व का मामला। बड़वानी जिले के पाटी थाना अंतर्गत ग्राम अंजराड़ा में महिला की जली लाश मिली थी। जली महिला बारनाबाई के हत्यारे को 48 घंटे में पुलिस ने अपने कब्जे में किया। बारनाबाई के हत्यारे पति और ससुर ही निकले। पुलिस को गुमराह करने की थी कोशिश, पर साक्ष्य व महिला के पुत्र के बयान व पीएम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने पति सुरेश और ससुर हासीराम को पकड़ लिया। दोनों ने अपना गुनाह कबूल भी किया। बड़वानी जिले के पाटी थाना क्षेत्र के ग्राम अजराड़ा की थी घटना, जहां पर एक महिला की जली लाश मिली थी। जली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली थी। पुलिस प्रशासन हत्या की गुत्थी सुलझाने में लगा रहा। लोगों से और परिजनों से पूछताछ की गई। पूछताछ में ससुराल पक्ष से भी पूछताछ में पुलिस जुटी रही। आज मंगलवार सुबह मृतका का पति सुरेश व मृतका का ससुर हासीराम पिता जाम सिंह ने अपना गुनाह कबूल किया, जिसमें घटना दिनांक की रात्रि मृतका वारनाबाई से उसके पति व उसके ससुर ने बार बार घर मायका आने जाने की बात पर पहले भी झगड़ा मारपीट की थी। वहीं रविवार मृतका के साथ मारपीट कर बेहोश किया गया। बेहोश करने के बाद वारनाबाई का गला दबाकर घर से कुछ दूरी पर ले जाकर केरोसिन डालकर जलाकर हत्या कर दी गई। मृतका के पुत्र रितेश द्वारा भी दादा और पिताजी द्वारा अपनी मां को मारपीट कर मारने का बताया। जांच कर अपराध पंजीवत कर धारा 302, 201, 34 का प्रकरण पंजीवत कर आरोपी मृतिका का पति सुरेश व ससुर हासीराम को बार खोपड़ा फलिया अजराड़ा से गिरफ्तार किया। मृतिका के परिजन के कथन एवं घटनास्थल निरीक्षण और डॉक्टर के पीएम रिपोर्ट प्राप्त कर मामले का खुलासा किया गया, जिसमें आरोपी हंसीराम पिता जाम सिंह बारेला उम्र 48 वर्ष, सुरेश पिता हासीराम बारेला को गिरफ्तार किया गया। बुधवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। सेंधवा से हेमंत गर्ग की रिपोर्ट। मामला सनसनीखेज होने से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री डीआर तेनिवार साहब द्वारा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय सुनीता रावत मैडम द्वारा एवं एसडीओपी महोदय जमराज द्वारा एक टीम गठित की गई। टीम में पाटी थाना के सब इंस्पेक्टर पिंकी सिसोदिया साहब एवं सहुनी आशिक खान अशोक खेड़कर रेणुका एवं अन्य के द्वारा अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए मृतिका के ससुर हासीराम व पति सुरेश को गिरफ्तार किया गया है और इन्हें आज कोर्ट पेश किया। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.news